आज से कई साल पहले एक प्रभु के दास थे जिनका नाम था चार्ल्स स्पर्जन। दुनिया के सबसे महान प्रचारकों में से एक थे चार्ल्स स्पर्जन। उनके प्रचार के बड़े बड़े डायरी, बड़े बड़े किताबें बनती है। हजारों 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 प्रचार उन्होंने किए हैं, लेकिन उनके आने वाली पीढ़ी क्या हो गई? परमेश्वर से हट गए, वो खुदा से बाहर हो गई। उनके पोते आते 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 सब परमेश्वर से दूर हो गए। पिछले दिनों में उनका एक पोता जिसका नाम था एडम ड्रग में था, वो ड्रग एडिक्शन में था, वो गलत चीजों में चला गया। वो सारी आदतें उसके अंदर थी जो एक मसीह के अंदर नहीं होती है। और फिर फाइनली उसने एक निर्णय लिया कि मैं सुइसाइड करने जा रहा हूं। सुइसाइड करने गया था। वहां पे एक औरत ने उसे परमेश्वर यीशु मसीह के बारे में बताया और उसे बोला, सुइसाइड करने से बढ़िया है तू एक बार यीशु के बारे में सोच के रख। जब वो मुझे यीशु के बारे में बता रही थी, मैं उस मोमेंट में मानो शरीर के हर मॉलिक्यूल में परमेश्वर का प्रेम और मानो ऐसा ताकत भर गया है जो मैंने कभी महसूस नहीं किया। उस औरत से सुसमाचार सुनने वाला एडम चार्ल्स स्पर्जन का पोता कहता है, उस खुदा को आई विल सर्व। यूके में वेल्स में जाकर उसने पानी में उतर के बपतिस्मा लिया। उसका टेस्टिमनी है कि वो पवित्र आत्मा से भर गया। आज वो परमेश्वर का एक प्रचारक है। वो यीशु के बारे में दूसरों को बताता है, वो खुदा के बारे में दूसरों को बताता है। मैं तो उस बहन का धन्यवाद करता हूं सच, क्योंकि इसकी शरीर देखिए, कुछ जजमेंटल क्रिश्चियंस हमेशा रहते हैं, वो लोगों को देख के सुसमाचार बांटते हैं। लेकिन खुदा का धन्यवाद हो, इस ब्रदर को देखकर उस सिस्टर ने नहीं सोचा कि ये टैटू वाला है, माथे पे भी टैटू है, गले पे भी टैटू है, हाथों पे टैटू है, दोनों कानों पे बालियां है। और फिर उसने ये नहीं बोला, अरे यार इसको क्या सुसमाचार, ये तो बहुत बड़ा पापी, और वो क्रूस पे इसके लिए था क्योंकि उसे गलत काम किया था। कोई नॉर्मल गलत काम नहीं किया था, वो बहुत बड़ा गलत काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन यीशु ने उसको भी मौका दिया। आमीन। आप नहीं जानते, शायद आपका बॉस ऐसा दिखता हो, आपका पड़ोसी ऐसा दिखता हो, आमीन, जैसे आप देखना चाहते वैसे ना दिखता, और आपको लगे शायद विश्वास में ना आए, पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपकी सोच और विचार से ज्यादा आमेन परमेश्वर लोगों को बदल सकता है। उस बहन का धन्यवाद हो, आमेन। वो सुसाइड करने वाले उस भाई को देख के उसने कहा, ओ देयर इज जीसस, यीशु है, यीशु है, यीशु तुझे बदल सकता है। तो इसके लिए कभी भी अपने बेटे के ऊपर गिव अप मत कीजिएगा, अपनी बेटी के ऊपर गिव अप मत कीजिएगा, अपने परिवार के ऊपर गिव अप मत कीजिएगा, क्योंकि कभी भी बदलावट आ सकती है। खुदा कोई भी मॉलिक्यूल छू सकता है। हालेलुया। कब किसका मॉलिक्यूल छू दे और कब किसका एटम बदल जाए और कब किसके ब्लड के अंदर प्रेज द लॉर्ड उसका लहू टच हो जाए, आप नहीं जानते। इसके लिए सुसमाचार बांटते रहिए, कहते रहिए, आमेन बताते रहिए। किसी का भी जीवन बदल सकता है। एनीबॉडीज लाइफ कैन चेंज, कुछ भी हो सकता है।